जेके 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजम्मिल राजब। अभी हम दोगाम काकपोरा में मौजूद है, जहां पे अगर देखा जाए जो नई तारीख से यहां पर रूरल डेवलपमेंट ने सेग्रीगेशन सेड जो बनाया है, उसी हवाले से अगर देखा जाए जो नए तरह की यहाँ पे जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे निकात किया गया है, उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से नई तरह से यहाँ पे बनाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये बनाया गया है, उसी तरीके से कहते हैं कि हर जगह पे बनाया जाएगा, लेकिन इसमें लोगों के तावन बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारे साथ यहाँ पे अली मोहम्मद साहब मौजूद है, और अली मोहम्मद साहब से पूछेंगे कि जो आप यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि आप आपसे पहले भी हम बहुत बार मिले हुए हैं, आप हर टाइम पे लोगों की बहबूदी के लिए काम करते हैं, आज भी आप बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं, उस हवाले से बताइए। जी बस ये हमारी जिंदगी के लिए साथ कितनी जरूरतें इंसान को है सब समझते हैं। मेहनत तगदो रात दिन तालीम सब इंसान हासिल करता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन अपनी जिंदगी जीने के लिए हमें एक वेस्ट निकलता है, कूड़ा करकट हमारी जिंदगी से बाहर आता है। जैसा हमारे अंदर जिस्म से के भी अंदर पेशाब है वो बाहर आता है, दांतों से आता है, नाक से आता है, इसी तरह हमारे खाने पीने रोजमर्रा की जिंदगी से भी ये कूड़ा करकट अब बाहर आता है। इसके लिए हमें सदभाव करने की जरूरत है। हमें कूड़ा करकट पानी में नहीं डालना है, सड़कों पर नहीं डालना चाहिए, या किसी प्रॉपर्टी सरकारी हो या आवामी प्रॉपर्टी हो उसके नजदीक नहीं डालना चाहिए। बस अवेयर होना है हमें इसको। अलग अलग सरकार ने हर एक फैसिलिटी दे रखी है। अब घर घर में गुजारिश कर रहा हूँ अपनी माँ बेटियों से बहनों से कि आप घर घर में ही ये सेग्रीगेट करके दीजिए, इंशाल्लाह ताला हर जगह ये यूनिट्स कामयाब हो जाएंगे, बशर्त कि आपका ताउन रहेगा, एक आम इंसान का ताउन रहेगा। एक आम इंसान के लिए ही ये सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, कयामत तक इसकी जरूरत है। मैं तो बोलता हूँ इसके लिए हर एक को आगे आना चाहिए। सफाई नसीब ईमान है, सफाई नसीब तरक्की है। मैं गुजारिश करता हूं हर एक से कि आप घर से इसको सेग्रीगेट करके दे दीजिए। हर गांव में सेग्रीगेशन शेड बनाए जा रहे हैं, ऐसे यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। ये जब तक कामयाब हो जाएंगे, जब गांव वालों का, सिविल सोसाइटी का, हमारी माँ बहनों का इसमें भरपूर तावन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ अली मोहम्मद साहब थे, और यहाँ पे अगर आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट भी आए हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। और आपको इंतजाम कर रहे थे, वो यहाँ पे था, हम बहुत। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और रोड डेवलपमेंट कमिश्नर सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी साहब और ACD पुलवामा यहाँ पे मौजूद है, वो लोगों से बात कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि इस तरीके का जो सेग्रीगेशन शेड्स है वो नए तरह से बनाए जाएंगे, और हर जगह पे इनका आज यहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन थी। और आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से काकपोरा के लोग अपनी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हर किसी को चाहिए, हर किसी का फर्ज बनता है कि वो हर किसी को चाहिए कि वो उनसे उसी तरीके से सफाई रखें। और आपको बताना चाहेंगे ये काकपोरा दोगामा का इलाका है, जहाँ पे ये सेग्रीगेशन जो वेस्ट मैनेज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट शेड्स है वो बनाए गए हैं। इसके लिए जज्बा है सर, मैंने असल में मेरी जिंदगी का 20 साल कश्मीर से बाहर गुजारे, जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, सऊदी अरब गया, तो हैदराबाद में मेरी शादी हुई है, मेन हैदराबाद, वहाँ पर मैं 13 साल था। आने के बाद जब मैं कश्मीर आया 2002 में, तो यहाँ पर मैंने देखा माहौल थोड़ा बहुत गंदगी पानी में सब लोग आते, जमीन के कब्जे हुए, कहीं पर एक इंच जमीन भी नहीं है, कुत्ता भी मर जाता है, हमको यहाँ पर जाके दफन करना पड़ रहा है, वो या तो पानी में, अब हम करते पानी में कहीं करें। ये देखिए मुझे 2004 में हो गया इसमें, तो मैं गांव में निकला, बेटे कुजमा देवा साहब थे हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के मिनिस्टर साहब, तो ऐसी हमने सफाई शुरू की अपने गाँव में। जब से आहिस्ता 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 फिर हालात ऐसा
करवट लेते थे कि हम सालों बाद भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से जो सुकून थोड़ा हो गया हमको, उस वजह से डीसी साहब के आने से, हमारे पंचायत सेक्रेटरी साहब के आने से, यहाँ पर जो इससे पहले रूरल अफसर साहब थे वो दिए थे, और जो भी मशीनरियाँ पूरे सेग्रीगेशन शहर बनने लगे, तो मुझे सोने का सहारा मेरे लिए, मैं समझा कि मैंने मुझे आपसे जाना चाहिए। मैं इसमें कोई पैसा नहीं लेता हूँ, मैंने उनको लोगों को अवेयर किया इस बारे में, घर घर गया, बेटियों को सिखाया, क्योंकि मैं लोकल था, मुझसे शर्माए नहीं, मैं किचनों में भी जाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब रहे। जहाँ तक मेरा मानना है सफाई में सुख ईमान है, सफाई में सुख ईमान बोलो तो फिर हम सफल दुनिया से तरक्की करते हैं जब हम सफाई करते। यही चीज है जो प्रॉब्लम थे। एक दिन कभी पहली प्रॉब्लम थी कि सुबह लोगों में जाना है भाई कोड़ा डालो, वो खत्म हो गई तो फिर दूसरे दिन होती थी क्या पैसा दो बोलो, तो रोज रोज ये हो जा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है जिस दिन परेशानी नहीं होती है या नया काम नहीं होता है, मैं बोलता हूँ मेरे लिए कोई काम ही नहीं रह गया। एक बात बोल रहा हूँ सर, यकीन इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ करके, अभी तक अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, अब इनको बयान करना नहीं चाहिए, अब हल करना चाहिए। मेन प्रॉब्लम का कश्मीर में वजह है, यहाँ के लोग अवेयर नहीं है हमारे नाम में, ऐसा हाथों से काम करेंगे। मगर वो हाथ है, इसलिए वैसे लोग नहीं है हमारे पास जो इसको हाथ लगाए, तो बड़ी बात है कि इसको हाथ लगाने वाला होना। अब अगर हम घर से ही सेग्रीगेट करा के लाए तब हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं रहती है, फिर बेंचे से उठाते हैं उसमें डालते हैं उसको भी करते हैं। तो जो हमारा कलेक्शन है ये जमा करना लोगों के साथ, मतलब ये भी बर्दाश्त करना, उनको भी अवेयर करना, उसमें कभी कभार हमको थोड़ा वक्त पे कम पैसा भी आ सकता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि सरकार का दिल बड़ा है, सरकार अगर हम ये रोजगार में कुछ अगर पहल करें वो नरेगा के मेन, इसमें चार पोस्ट की जरूरत है। एक दो जो यहाँ सड़ पे रहे, एक ड्राइवर के साथ, ड्राइवर बहुत मिलेगा क्योंकि उसको कुर्सी पे बैठे, जो ड्राइवर के साथ रहेगा गाड़ी, ये तीन है ना सर, गाँव गाँव में हम कर सकते हैं, मगर मेन चीज है ये तीन आदमी होना हमको। और हम जो हमारे पंचायत सेक्रेटरी साहिबान है, अफसर साहिबान है, इनको लोगों में जाने की लोग अवेयर होना इसका, वो मानना चाह रहा है। जब हम शुरू करते हैं हमको 50 करते आते, थोड़े दिन हो गए जो ड्राइवर था हमारी गाड़ी में वो दूसरे को बोला भाई अब हमारे घर के पास जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी जो रूरल डेवलपमेंट वो यहाँ पे आए हुए हैं, और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर पुलवामा भी आए हुए हैं, और यहाँ पे जो लोगों की जो यहाँ पे ये काम करते हैं उनको हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और इसका इनॉग्रेशन भी हुआ है। इनका यही कहना है कि इसी तरह से हर जगह पे ऐसे शेड्स बनाए जाएंगे और डिकम्पोज किया जाएगा, जिसमें जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आज इसका इनॉग्रेशन हुआ, और इनका यही कहना है कि इसी तरीके से हर जगह पे बनाया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। लेकिन लोगों को कॉपरेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो नदी नालों में कूड़ा करकट ना डालें, और कहीं सड़कों वड़कों पे कूड़ा करकट ना डालें, उससे गंदगी फैलती है, वो लोगों की जिम्मेवारी बनती है गंदगी ना फैलाए। सुबह गाड़ी आती है घर के पास, उसी गाड़ी में डालें ताकि लोग भी बाकी लोग भी आराम की सांस ले सके। बिल्कुल, आप तक हम हर कोई खबर पहुंचाते रहते हैं, जुड़े रहिए खबर के साथ, जीके 24 न्यूज के साथ।